आसले चौधरी पा लगी आओ आओ फिर आ जाओ खुश रहो लक्ष्मी जी की कृपा से। अरे चौधरी काका बंदेगी। अरे खुश रहो लक्ष्मी जी की कृपा से। कहो धर्म कैसे हो? अब काका हम तो आपके सेवक हैं। अब ये खेत बाग मवेशी सब आपे की तो हैं। आपे की मर्जी हो जब जोत बो रहे हैं, नहीं तो भाई आपका बेटा तो बहुत ही लायक है। वाह 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 काका, एक 300 रुपए की और जरूरत थी। जो हमारे तलैया के खेत है ना किनारे के, वो दोनों खेत अपने नाम लिखा लो। हाँ धर्मु, ये तो क्या कह रहा है बेटा? पापा आप तुम चुप रहो। अब काका भी तो अपने ही आदमी है ना। हाँ काका। लक्ष्मी जी की कृपा से आश्रय तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, बड़ा समझदार हो गया है, समझता बूझता है। हाँ सो तो है पर बेटा धर्मो, पिछला ही कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारा, लेकिन तुम बेटा कहते हो तो 200 रुपए और दे दूंगा तुझको। है अच्छा, कम तो है लेकिन ठीक है फिर। अच्छा 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 ये ले। देखो बेटा आश्रय से अंगूठा लगवा दो। देखो लिख दिया है कि 200 रुपए पिछले कर्ज में जोड़कर तलैया के किनारे का खेत चौधरी साहब के नाम बंधक रख रहा हूँ। लो बेटा पढ़ लो। बिना पढ़ा लिखा आदमी तो आंख रहते हुए भी अंधा होता है चौधरी साहब। ये क्या चौधरी साहब, इसमें तो कुछ और ही लिखा है। अरे तुम तो है कि 40,000 रुपए लेकर मैं आश्रय पुत्र गजाधर का खेत बाड़ी घर मवेशी बंधक रख रहा हूँ। ये सब क्या है चौधरी साहब? अरे तुम तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो क्या? हाँ देखो जी माफ करना, मजबूरी में ही पढ़ा लिखा है हमने। अरे हमारे बही तो दो। अरे बही क्या तो दफा लग गई है। अरे दफा तो मैं लगवाऊंगी ही, शहर में जाके बड़े साहब से भी शिकायत करूंगी तुम्हारी। अरे बड़े साहब से? अरे अरे भैया, अरे अरे काका आप कहाँ जा रहे हो? अरे तो अरे भैया छोड़ दे दादा। अरे अरे बड़े साहब शिकायत कर रही है। चौधरी साहब पा लगी, पाए में खा लगी, दफा तो लगवा ही देंगे हम। अरे बहू नानी तुम तो कमा के दी हो। अरे बच्चा ये कहाँ पढ़ा तुमने? अरे मजबूरी में पढ़ा लिखा है हमने। मगर कहाँ? अरे शिक्षा केंद्र में, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में। अरे बच्चा एक बात बताओ, क्या ये बूढ़ा तोता भी पढ़ सकता है भला? अरे पप्पा पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, आप भी चल सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। चलिए